उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से तोड़ा गठबंधन, सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस ने उद्धव को दिया न्योता, लेकिन ठाकरे ने ठुकराया। कांग्रेस की बुलाई बैठक में नहीं पहुंचे उद्धव, बाला साहेब ठाकरे के नेता। राउत का दावा, सावरकर पर पहले राहुल से करेंगे सीधी बात। कांग्रेस और शिवसेना के बीच अब फूट पड़ चुकी है। मालेगांव की रैली में सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने राहुल के बयान पर आपत्ति जताई। साफ कह दिया कि सावरकर महाराष्ट्र और शिवसेना के लिए देवता हैं और राहुल हमारे देवता का बार बार अपमान कर रहे हैं। ये बंद होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम गठबंधन ही नहीं कर पाएंगे। संजय राउत ने कहा कि सावरकर के मामले में हम राहुल गांधी से बात करेंगे। वीर सावरकर का अपमान बंद होना चाहिए। उद्धव ठाकरे और राउत के बयान के बाद साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे अब कांग्रेस के दबाव से निकलने की तैयारी में हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ उद्धव रह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस अगर सावरकर पर अपमान करती रहेगी तो उसके साथ रहना उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल हो जाएगा। और इसका पहला नमूना मिला कांग्रेस के डिनर डिप्लोमेसी में। अब तक कांग्रेस जब भी विपक्षी दलों की बैठक बुलाए तो शिवसेना शामिल हो रही थी, लेकिन सोमवार को जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों के नेताओं को डिनर पर बुलाया तो शिवसेना यूटीबी के नेता गायब रहे। कोई भी नेता खड़गे के आवास पर नहीं गया। संजय राउत ने कह दिया कि कांग्रेस का डिनर उन्हें ही मुबारक, पहले वो तय कर लें कि उन्हें हमारी जरूरत है या नहीं है। सावरकर का अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कांग्रेस से उद्धव गुट ने दूरी बना ली है और जिस तरह की राजनीति राहुल गांधी करते रहे हैं उससे साफ है कि वो सावरकर का मुद्दा छोड़ेंगे नहीं। पत्रकार वार्ता अगर वो करेंगे तो सावरकर का जब भी जिक्र आए तो वो उस पर निशाना साधने से चुकेंगे नहीं। ऐसे में महाविकास आघाड़ी कब तक चलेगा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अब तक सावरकर पर राहुल के बयान चुप्पी साध कर रह जाने वाले उद्धव ठाकरे अलग लाइन लेने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में निगाहें शरद पवार पर टिकी हुई हैं। खड़गे के डिनर में शरद पवार पहुंचे, विपक्षी नेताओं के साथ उन्होंने आगे की रणनीति पर चर्चा की, बात की कि संसद में सरकार को कैसे घेरा जाए, सड़क पर कैसे लड़ा जाए और कैसे विपक्षी एकता को मजबूत बनाया जाए। चुनाव एक साल दूर है, ऐसे में कांग्रेस को भी सहयोगियों की जरूरत है, खासतौर पर यूपी और बिहार के लिए बेहद जरूरी हो चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार 2024 में बनेगी या हटेगी ये इन दो राज्यों से ही तय होगा। इन दो राज्यों में 88 सीट है और 2019 में एनडीए के हिस्से में 80 सीट आई थी, लेकिन हाल ही में जो तमाम सर्वे आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी को यहां जबरदस्त झटका लगने वाला है। एनडीए को 50 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। अगर एनडीए को 50 सीटों का नुकसान इन दो राज्यों में हो जाता है तो मोदी सरकार के लिए 2024 मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो विपक्षी मोर्चा मुश्किल में फंसा हुआ है। दरअसल रविवार को मालेगांव की रैली में उद्धव ठाकरे ने जैसे ही सावरकर को लेकर राहुल और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, उसके बाद यह तय हो गया कि अब कांग्रेस और शिवसेना यूटीबी का साथ ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। दरअसल लोकसभा सदस्यता गंवाने के बाद शनिवार को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान राहुल गांधी से एक पत्रकार ने सवाल पूछा जब ये लोग माफी मांग लेते हैं तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं। इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि राहुल गांधी सोचता है कि मेरा नाम सावरकर नहीं, मेरा नाम गांधी है। इसके बाद उद्धव ठाकरे बेहद नाराज हो गए। कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद से ही उद्धव ने गांधी परिवार के खिलाफ कभी भी बयान नहीं दिया था, लेकिन अब उनका सब्र टूटता दिख रहा है। ठाकरे ने सीधे सीधे राहुल गांधी को अपने निशाने पर ले लिया। राहुल को सीधे चेतावनी देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीर सावरकर हमारे भगवान हैं, सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी एमवीए महाविकास आघाड़ी में है क्योंकि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट होकर भाजपा खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर आप एक साथ लड़ना चाहते हैं तो यह स्पष्ट है कि हमारे भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सावरकर के खिलाफ एक भी लाइन बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यह इस सार्वजनिक मंच पर खुली चेतावनी है।